हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री एवं प्रभारी विमल द्विवेदी के नेतृत्व में गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की सरेआम हत्या पर हिंदू जागरण मंच ने उन्नाव शहर बड़े चौराहे से लेकर शासकीय प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाले व दिवंगत पत्रकार को श्रद्धांजलि दी। इस घटना पर पुलिस की लाचार कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा, जब हत्या से दो तीन दिन पहले अपनी भांजी के साथ छेड़खानी का प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया था, तभी कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? और घटना वाले दिन भी पत्रकार विक्रम जोशी जब अपनी बहन के यहाँ डिनर पर गए थे, तभी बदमाश बहन के घर के नीचे खड़े होकर गाली गलौज कर रहे थे। पत्रकार द्वारा संबंधित थाना अध्यक्ष को फोन करने के बावजूद थाना अध्यक्ष ने आने से मना कर दिया और पत्रकार की अपनी बहन के घर से 200 मीटर आगे जाने पर उनकी दोनों बेटियों के सामने हत्या कर दी गई, जिससे पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर जाहिर होती है। आज बहुत दुखद घटना हुई है। एक पत्रकार साथी जो निर्भीकता से, निडरता से एक सच्चाई का सामना करते हैं, कोरोना काल में लगातार उन लोगों ने सच्चाई का आईना लोगों तक अपनी खबर जन जन तक पहुंचाई। इस दौरान कुछ जिहादियों द्वारा गाजियाबाद में विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। मैं सबसे पहले इस मंच की ओर से, आप सबकी ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ व इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि जब सरकार बनी थी तो सरकार द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों की सुरक्षा व सम्मान पर सरकार कभी आंच नहीं आने देगी। लेकिन जिस तरह से अपने ही भांजी के लिए पत्रकार द्वारा लगातार पुलिस से गुहार लगा, यही कई बार प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया, उसके बाद भी अपराधियों से मिली हुई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। अपनी भांजी के यहाँ पत्रकार बैठा था और नीचे अपराधी जिहादी जो लव जिहादी थे, जिनके द्वारा लगातार शिकायत की गई थी, एक कमलुद्दीन नामक व्यक्ति जो पत्रकार साथी है उसके भांजे द्वारा ये बताया गया है कि लव जिहाद लगातार उसको प्रेरित कर रहा था, लगातार दबाव बना रहा था कि उसके साथ वो शादी करे। इसकी शिकायत लगातार पत्रकार भाई द्वारा की गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जल्द में ही आपने देखा होगा एक ट्वीट पर, महिला सुरक्षा को ट्वीट पर लेकर एक संकल्प दीक्षित द्वारा एक ट्वीट किया गया था कि महिला पर एक अभद्र टिप्पणी की जाती है उस पर पुलिस मुकदमा लिख देती है, क्योंकि वो सच्चाई का आईना दिखा रहे थे। लेकिन एक पत्रकार एक न्याय की मांग कर रहा था, एक बेटी को बचाने का न्याय कर रहा था, तो उसको गोली मिलती है, उसको कोई सुरक्षा और कोई न्याय नहीं मिलता है। ऐसी व्यवस्था की हम निंदा करते हैं।